हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रामगढ़ छावनी परिषद में जो रिक्रूटमेंट आई है विभिन्न पदों पर, उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, एलबीडी कंडीशंस एंड नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन उसके बारे में, बाद में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रामगढ़ कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको जाना होगा। जैसे रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपका रिक्रूटमेंट के लिए विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे केयरफुली रीड करेंगे नोटिफिकेशन को, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज की डिटेल दी गई है, इनको आप असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट टीचर, एलडीसी, अलग अलग पदों पर वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन, मिडवे, सफाई मजदूर, सफाई कर्मचारी के लिए पद पर वैकेंसी, कैटेगरी वाइज एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स, आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, डायरेक्ट नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं और आवेदन भी उसके लिंक के थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आवेदन आप 28/12/2022 से 28 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आवेदन कैसे करना है। जैसे ही आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यदि न्यू कैंडिडेट है तो आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपका अकाउंट। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, पर्सनल आपको अपना यहाँ पे डिटेल देनी होगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम आपको देना होगा। यहाँ पे उसके बाद फादर नेम आपको देना होगा, मदर नेम, डीओबी करनी होगी। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना होगा। जो यूजर आईडी आप बनाना चाहते हैं वो यूजर आईडी आप यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करना होगा, सेम ही पासवर्ड आपको रखना होगा। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आप लोअर केस यूज करेंगे, अपर केस यूज करेंगे, नंबर आपको यूज करने होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे यूज करने होंगे। उसके बाद आपको जो ये यहाँ पे दिए कैप्चा कोड, इनको यहाँ पे डालना होगा, सबमिट पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। उसमें आप करेंगे, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका। आपको लॉग इन करना होगा और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल लास्ट नेम आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना नेम हिंदी में लिखना होगा। यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम देना होगा, डीओबी देनी होगी, डोमिसाइल स्टेट आपको देना होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। और आपको यहाँ पे फ्रेंड्स, उसके बाद आप मैरिड है तो यस करेंगे, स्पाउस नेम आपको देना होगा और डिटेल्स यहाँ फिल करनी होगी। नहीं है तो सीधा आपको नो पे क्लिक करना होगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पे यस करेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आपको देनी होगी। नहीं है तो आपको सीधा यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट डिटेल आती है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना होगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और पिन कोड आपको देना होगा। यदि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी डिटेल। और आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे करना होगा। नेक्स्ट सेशन आपका क्वालिफिकेशन का, यहाँ पे आप अपनी डिग्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। यहाँ पे बोर्ड का नाम, यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स, यहाँ पे टाइप ऑफ आपने फुल टाइम था या का परसेंट, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड कौन सा था, मार्क थे या सीजीपी थे, रोल नंबर्स, ओबिडेंट मार्क और टोटल मार्क क्या थे, परसेंटेज यहाँ करनी होगी। ऐड पे आपको क्लिक करना होगा, जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपको अटैच करने होंगे, फोटो एंड सिग्नेचर आपको लगाना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्रिंट रिसीव का, आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स आपकी पूरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जाएंगे आगे और यहाँ पे आप अपना प्रिंट लेके अपने पास सेव रख सकते हैं और डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स आपको होम को लॉग इन करना होगा, होम पे आना होगा। जैसे ही होम पे आएंगे आपको रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग आपको देख, जैसे कैंट बोर्ड आगरा के लिए, बरेली के लिए, जबलपुर, कानपुर, आपको यहाँ पे अलग अलग से देखने को मिलेंगे। आप अपने जहाँ से भर रहे हैं, जैसे कि हम रामगढ़ से आवेदन करेंगे, रामगढ़ कैंट से, तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आवेदन करने की एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा रामगढ़ वाले सेक्शन में। फ्रेंड्स जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगी। डिटेल प्रीव्यू होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स।
यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के एलबीटी क्राइटेरिया ओपन हो जाएंगे, जिस भी पद से आप आवेदन करना चाहते हैं अपनी एलबीटी क्राइटेरिया को चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं एलडीसी पद से आवेदन करूंगा तो यहाँ पे एचएससी पास होने चाहिए एंड टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जिस भी पद से आप आवेदन करेंगे उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर रामगढ़ यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो करना होगा। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो करना होगा। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, और इन मंथ में आपको यहाँ सर्विस एक्सपीरियंस आपको लिखना होगा, नहीं है तो सीधा आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में जो रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली फॉर मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं फील करना है। यू हैव ए कंप्यूटर, आपके बेसिक नॉलेज आपके पास है या नहीं है आपको यहाँ यस करना होगा, आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कॉलेज एंड हॉस्पिटल ओनली फॉर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ये जो लेवल है प्राइमरी टीचर्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, 10th की मार्कशीट अटैच करनी होगी, 12th की मार्कशीट, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑल असेंशियल क्वालिफिकेशन आप अपलोड करेंगे। साइज पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी होगी, ओनली आपको यहाँ दिया गया 1.5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड सर्टिफिकेट 1 ईयर इंटर्नशिप मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड है तो आपको एप्लीकेबल होता है, ये आपके एप्लीकेबल नहीं होते तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे आप इस पे आगे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी ये डिटेल्स यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा फॉर्म का। आपको अब भुगतान करने के लिए ये बोल रहा है, आप अपने डिटेल्स को यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। तो आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं प्रिंट लेके अपने पास सेव रख सकते हैं। आप सेव करना चाहते हैं तो आप अपने पास यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे डिटेल्स सारी चेक करने के बाद, और यहाँ पे आपको भुगतान करना होगा। आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, सिटीजन है उसके जो है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और सबमिट पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फीस के लिए यदि आप पर्सनली कर रहे हैं तो आपको डेबिट कार्ड किसके माध्यम से करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, वॉलेट, जो भी आप जिसके माध्यम से करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। जिसके भी माध्यम से आप करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आपको रेफरेंस डिटेल देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा डिटेल्स को। जैसे सबमिट करेंगे आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी पेटीएम की, और इसमें किसके QR के थ्रू डायरेक्ट स्कैन करके आप QR से पेमेंट करेंगे तो भी हो जाएगा। और जैसे ही आपका सक्सेसफुली हो जाएगा पेमेंट, आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखेंगे। और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ आप नोटिफिकेशन में वेतन की डिटेल सारी दी गई है, एज क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपने एज क्राइटेरिया एलबीटी क्राइटेरिया सबको यहाँ पे चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपका जब मोड ऑफ सिलेक्शन जो थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेहिप पे आपका रहने वाला है फॉर मेडिकल मेडिकल ऑफिसर्स एंड, आप यहाँ पे चेक करेंगे आपको अलग अलग डिटेल्स हिंदी एंड इंग्लिश क्वेश्चन आपको दोनों ही लैंग्वेज में, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स आपको यहाँ देखने को नो नेगेटिव नहीं रहेगी फ्रेंड, नहीं देखने को नहीं मिलेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लेंगे, यहाँ पे अलग अलग पद से रिलेटेड अलग अलग दिए गए डिटेल्स हैं। जैसे कि हमने LDC से अप्लाई किया है तो LDC के लिए अलग से यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड। जैसे मैंने LDC से अप्लाई किया है तो रिटन टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हिंदी मीडियम हिंदी रहेगा, 50 के वेंटेज आपको मिलेगी, टोटल 200 मार्क का रहेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी फ्रेंड। टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पे रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, आप देखेंगे टोटल जो कुल मिला के मार्क आपके रहेंगे 250 मार्क आपको यहाँ देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।